सोल, दक्षिण कोरिया, जहां आधुनिकता परंपराओं के सामने सर झुकाती है, जहां एक दुल्हन अपने शयनागार में झांकती हुई दिखाई देती है। क्या ये दृश्य आधुनिक कोरिया का हो सकता है? क्या विशाल महल और मंदिर आज के कोरिया में देखे जा सकते हैं? ये झांकी है दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल की। सोल ने विश्व सॉकर कप 2002 के खेलों की मेजबानी की थी और दक्षिण कोरिया में ही स्थित पुसान में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। सोल में पूरे दक्षिण कोरिया के दर्शन किए जा सकते हैं। इसे दक्षिण कोरिया की आत्मा भी कहा जा सकता है। क्योंकि सोल में आधुनिक ढांचागत सुविधाओं के साथ साथ ऐतिहासिक और पारंपरिक आकर्षणों को भी देखा जा सकता है। यहाँ कन्फ्यूशियसवादी चीन के लंबे समय से चले आ रहे कब्जे के बावजूद सोल ने अपनी बौद्धवादी आत्मा को संजोए रखा है। यहाँ बौद्धवाद भी चीन के रास्ते से ही आया था। दोनों के बीच अनेक मूल्यों और सिद्धांतों का आदान प्रदान भी होता रहा, लेकिन आज ईसाईयत ने भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कोरिया की अपनी विशिष्ट संस्कृति आज भी मौजूद है और कोरिया के सारे स्थानीय वंशों को मिटाने के लिए होने वाले निरंतर विदेशी हमलों के बावजूद कोरिया की इस प्राचीन विशिष्ट संस्कृति के दर्शन हर कोरियाई शहरी के आचारों और विचारों में किए जा सकते हैं। यहाँ के आकाश को चूमने वाले विशाल भवनों, साफ सुथरी सड़कों और सबवेज को देखकर कोरिया के ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश, सख्त मेहनत और परिश्रम का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। यहाँ की साफ सुथरी और प्रभावी आधुनिक कला मूर्तियों की अपूर्व कलाकृतियों के रूप में कंक्रीट की निरस्ता को भी तोड़ती हैं। यहाँ की सड़कों के महत्वपूर्ण नुक्कड़ों पर विशालकाय मॉनिटर लगाए गए हैं, जिनमें कोरिया के उन उत्पादनों को दर्शाया गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही मशहूर हैं। कंप्यूटर चिप्स के सबसे बड़े उत्पादक होने और देश के लगभग 70% लोगों में ब्रॉडबैंड की पहुंच को देखते हुए शायद ये सोचा जा सकता है कि किताबों की दुकानें कम ही दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ के विशाल पुस्तक भंडार कुछ और ही कहानी सुनाते दिखाई देते हैं। सोल के युद्ध स्मारक में कोरिया के प्राचीन युद्धों का इतिहास देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ एक समग्र और संपन्न म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें लगातार आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। इसकी दीवार का भित्ति चित्र वियतनाम युद्ध की यादों को दर्शाता है। यहाँ का नेशनल म्यूजियम और फोक म्यूजियम जीवंत प्रदर्शनियों और व्याख्या केंद्र के माध्यम से सदियों की कोरियाई जिंदगी के दर्शन कराता है। यहाँ बच्चों के लिए मिलजुल कर खेलने कूदने के भी प्रबंध हैं, जिनमें विशाल जिग्सॉ पजल्स भी शामिल हैं। यहाँ 1468 में बनाए गए विशाल घंटाघर का घंटा रोजाना सुबह शाम बजाया जाता था, जो नगर के द्वार खोलने और बंद किए जाने का संकेत था, अब स्थानीय नेशनल म्यूजियम की शोभा बढ़ाता है। यहाँ निर्माण किए गए 8 बोधिसत्व संरक्षकों वाले स्तूप का असुर भी अपरिचित नहीं लगता और कोई भी भारतीय इसे देखकर कोरियाई और भारतीय परंपराओं और पौराणिक कथाओं के बीच समानताओं का सहज ही अनुभव कर सकता है। अगर आपको कोरिया के वास्तविक जीवन की झलक देखनी हो तो सोल के दक्षिण में 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोरियाई लोक ग्राम जाएं। ये कामकाजी ग्रामीणों का गांव है, जहां इधर उधर घूमते कोरियाई ग्रामीणों और उनकी वेशभूषा कोरिया की वास्तविक
और विशिष्ट जीवन शैली का एहसास कराती है। चोसुन साम्राज्य की 500 वर्ष प्राचीन परंपरा आज भी एक बड़ी झील, घने जंगलों और पास ही बहने वाले एक झरने से आज भी जीवंत महसूस होती है। किसानों, किसान मजदूरों और नगर के प्रशासनिक अधिकारियों के आवास विशुद्ध निर्माण के सामान से बनाए गए हैं, जो कोरियाई जीवन शैली का अक्स है। कोरिया के पारंपरिक विवाह समारोह की झलक मकान नंबर 9 में आयोजित विवाह समारोह में विशेष रूप से देखने को मिलती है, जहां पर्यटकों और कोरिया के युवा वर्ग के लिए प्रभावी नजारे मौजूद रहते हैं। इन समारोह में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं, जिनमें काफी स्कूली बच्चे भी होते हैं। विवाह गृह में प्रवेश से पहले दूल्हा अपने पूर्वजों के सामने नतमस्तक होता है, जबकि लज्जाई शर्मीली दुल्हन को परिवार के लोग बाहर लाते हैं। हंगुल में होने वाली विवाह रीतियां और पढ़े जाने वाले मंत्र भारत में हवन कुंड पर संस्कृत में पढ़े जाने वाले श्लोकों की याद दिलाती हैं। उनकी भाषा अपरिचित हो सकती है, लेकिन दूल्हा दुल्हन और परिवार के अन्य लोगों की शारीरिक भाषा किसी भी भारतीय के लिए अपरिचित नहीं होती। दुल्हन के ससुराल जाने का सफर वैवाहिक रीतियों के साथ एक अत्यंत सुसज्जित गाड़ी से शुरू होता है। ये लोकग्राम स्थानीय इरिदांग टीवी की ऐतिहासिक फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ के गांव वालों को प्राचीन और प्रदूषण रहित तरीके से कागज बनाते देखने का अपना ही आनंद है। खाने पीने की पारंपरिक भोज पदार्थों को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाकर रखा जाता है। मुखौटों का कोरिया की प्राचीन कला में विशेष महत्व है और दुकानों में तरह तरह के मुखौटे अपनी झलक दिखाकर मन को मोह लेते हैं। बांस जैसे जंगली उत्पादों से मनमोहक कलाकृतियों का सृजन भी यहाँ की अपनी विशेषता है। धातुओं या चट्टानों पर माहिर कलाकारों को काम करते देख दूर दराज के किसी हिंदुस्तानी गांव की याद उभर आती है। बस से सोल वापस आते वक्त आधुनिक कोरिया के वही संगीतमय नजारे दिखाई देते हैं। पतझड़ में तो कोरिया के लोग देर रात तक घर से बाहर रहते हैं। लगभग हर मोड़ और नुक्कड़ पर लजीज भोज पदार्थों की सजी सजाई छटा देखते ही बनती है। यहाँ का शांचाय थिएटर रेस्टोरेंट एकमात्र ऐसा होटल है जहाँ केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। इसे यहाँ के एक बौद्ध संत चलाते हैं। इसके अलावा सबवेज में सजी सजाई दुकानें भी देर रात तक खुली रहती हैं। इन सबवेज के प्रवेश द्वार पर खूबसूरत रिबन में बंधे हुए पपीज और बनीज भी शौकीन खरीदारों की राह देखते रहते हैं। बुकनसान नेशनल पार्क। कोरिया में किसी ऐसे व्यक्ति को देख पाना संभव ही नहीं है जो अपने मोटापे से बेहाल हो। कोरिया के दफ्तरों में काम करने वाले लोग अपने आप को किस तरह चुस्त और तंदुरुस्त रख पाते हैं, इसका राज है खान पान में पौष्टिकता का महत्व और दूसरा बाहर घूमना फिरना। यहाँ के छोटे बड़े बूढ़े और बच्चे
सभी लोग पास की पहाड़ियों में रोजाना सैर के लिए जाना कभी नहीं भूलते। इन पहाड़ियों में आध्यात्मिक और रूहानी ज्ञान ध्यान के लिए विशेष आकर्षण है। शहर के बाहरी इलाके में बुकनसान स्थित है। 78 वर्ग किलोमीटर पर फैले इस क्षेत्र को 1983 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। इस क्षेत्र में 836 मीटर ऊंची एकमात्र पहाड़ी चोटी बुकनसान है। इस पार्क में पहाड़ पर चढ़ने के विभिन्न तरीकों की सुविधाएं मौजूद हैं। पहाड़ पर चढ़ने वाले ऐसे शौकीनों के लिए विभिन्न स्तरों की विषम और कठिन चढ़ाइयां भी पथरीले ढंग से सजाई गई हैं। यहाँ के पहाड़ी किले की दीवारें, जिन्हें 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, कोरियाई युद्ध में एक बार फिर ध्वस्त कर दी गईं। इसके 14 में से मात्र 2 दरवाजे ही अब तक दोबारा बनाए जा सके हैं। एक सिद्ध बौद्ध संत डोसियंग गुक्सा ने पत्थर में बोधिसत्व की मूर्ति तराशी थी। जब आप इस पहाड़ी पर चढ़ने का आधा सफर कर चुके होते हैं, तो अचानक पाइन के वृक्षों से ढकी चट्टानों पर बना मंदिर दिखाई देता है। पूरे पार्क में तरह तरह के फूलों का मेला सा लगा हुआ महसूस होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और वातावरण संबंधी संदेश आपका स्वागत करते हैं। चट्टानों और पहाड़ी की गोद में कैंप लगाने और 2 घड़ी रुककर खिमची के साथ चावल की शराब के संग मीठी रोटी और नूडल्स के सूप का आनंद लिया जा सकता है। डोजियंग गुक्सा का मंदिर हर समय मन्नत मांगने वालों से भरा रहता है। जहां भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर कमल के फूल जैसी लालटेन प्रकाशित की जाती है। इस मंदिर के निर्माता डोजियंग गुक्सा धुरंधर विद्वान थे। उन्होंने अपने ज्ञान से मंदिर निर्माण के लिए ऐसा समय चुना जब वहां का पानी काफी साफ था। उन्हें मालूम था कि बौद्धवाद आने वाले समय की कठिन चुनौतियां नहीं झेल पाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बौद्धवाद की आध्यात्मिकता में बड़ी श्रद्धा थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद सफेद पत्थर की चट्टान पर बने मंदिर और चट्टान से तराश कर बनाई गई भगवान बुद्ध की मूर्ति चारों ओर वातावरण में व्यापक शांति के एहसास को और सुहाना बना देती है। यहां बनाई गई बुद्ध की मुख्य मूर्ति पूरे पहाड़ और इस पर चढ़ने वालों में एक अजीब सी आध्यात्मिकता जगा देती है। पतझड़ के मौसम के आगमन की घोषणा करने वाले रंगों में डूबा और पतझड़ की पत्तियों से ढका मंदिर ऐसा लगता है जैसे इस पर समय के उतार चढ़ाव का कोई असर ही ना हुआ हो। सोल के शाही महल उन अभूतपूर्व स्थानों में से है जिन्हें देखकर प्राचीन कोरिया के फेंगशुई के सिद्धांतों की कला से सजे सजाए निर्माण और उद्यानों से छलकते सौंदर्य शास्त्र को गहराई से महसूस किया जा सकता है। भवनों की चट्टानों पर की गई सुसज्जित मूर्तिकारी बरबस ही अपनी तरफ ध्यान खींच लेती है। रॉयल ऑडियंस हॉल के अलावा सभी बड़े महलों की खूबसूरती को बाहर से ही देखा जा सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ जापानी कब्जे के दौरान अधिकांश भवन या तो तोड़ डाले गए या उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। कोरिया के चीनी के बर्तन बनाने की कला के अधिकांश नमूने कोरियाई चित्रकारी, लेखन कला और फर्नीचर के अधिकांश अभूतपूर्व नमूने पहले ही जापान ले जाए जा चुके हैं, जहाँ उन्हें आज भी निजी संग्रहों में छिपा कर रखा गया है। कोरिया के बचे खुचे कलात्मक अवशेषों से कोरिया के निर्माण शास्त्र की अपूर्व खूबसूरती का एहसास होता है, जिनमें अनेकों प्रकार के ढांचे, गलियों के जाल, चौराहे और वो छोटे छोटे पार्क शामिल हैं, जिन्हें शहरों के अंदर ही छोटे शहरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
कियोंग यानी गुप्त उद्यान को पर्यटक के सफर की मुख्य कामयाबी कहा जा सकता है। इसमें 32 हेक्टेयर पर फैले मैदानों में तालाब भी हैं और पेविलियन भी। प्राचीन सर्पीले वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। इनमें से एक की आकृति किसी बहुत बड़े ड्रैगन से मिलती जुलती है। शनिवार और रविवार को यहाँ के चंगडोंग महल के मुख्य द्वार पर शाही गार्डों के बदले जाने के आकर्षक समारोह का भी आनंद लिया जा सकता है। इस समारोह में चोंगसन साम्राज्य काल से चले आ रहे बैंड भी एक मुख्य आकर्षण है, जो सफेद और पीली वर्दियां पहने अनेक पारंपरिक साज बजाते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुख्य सड़क पर परेड करती गार्डों की टोलियों द्वारा बजाए जा रहे विशाल ड्रम से साथ में गुजरने वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जीवनचर्या में परंपराओं और आधुनिकता का सम्मिश्रण घुला हुआ है। इंचोन सोल के पूर्व में स्थित इंचोन सोल की एक बड़ी बंदरगाह है। यहाँ डेवू मोटर कंपनी जैसे बड़े बड़े कारोबारी संस्थानों के कार्यालय हैं। इस बंदरगाह से चीन की दूरी पानी के जहाज की यात्रा मात्र है। इंचोन के समुद्र में स्थित वाल्मीडो नामक टापू में प्रवेश करते ही मछली और सब्जी के बाजार आपका स्वागत करते हैं। लेकिन यही नहीं, बल्कि यहाँ बड़े बड़े भूमिगत बाजार भी हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, चॉकलेट्स, जिनसेंग और कोरिया की पहचान बनाने वाला बहुत सा सामान उपलब्ध है। वैसे तो दर्जनों टापू इंचोन से दूर नहीं है, लेकिन सबसे नजदीक है चक्याडो। प्योनिस और पाइन्स के जंगलों से ढका हुआ चक्याडो नामक टापू इनमें सबसे अलग है। छोटा सा होटल भी है। इसमें खाने पीने की छोटी छोटी निजी हट्स हैं। जो काम के बोझ से बोझिल कारोबारियों के लिए सप्ताहांत पर आराम करने का आदर्श ठिकाना है। यहां पानी की यात्रा भी बहुत सुहानी लगती है, जहां लड़कियां समुद्र के किनारे से इकट्ठा की जाने वाली सिप्पियों के साथ खेलती दिखाई देती हैं। यहाँ समुद्र में खुलती हुई डूबते सूरज की पीली रोशनी ऐसे लगती है जैसे कोरिया के प्राकृतिक सौंदर्य को कोई सलाम कर रहा हो, प्रणाम कर रहा हो। और कोरिया को अलविदा कहते वक्त दोस्त, मददगार और हंसी मजाक के रसिया कोरियाई लोगों की यादें आपका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं।
भाषा की समस्या। अगर आप सम्मान करने और कराने की भाषा समझते हैं तो बेशक इस प्राचीन सभ्यता वाले देश की मासूमियत और सदा खुश रहने की आदत आपकी खुशियों में और खुशियां भर देगी।